हरियाणा के नूह जिले में फैली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में जंगल सफारी बनाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। आज इसी जंगल सफारी के क्षेत्र में तेंदुए के दो शावक दिखाई दिए और ग्रामीणों ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर रात को अपने घर रखा, उनको बकरी का दूध पिलाया और सुबह वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया। हमारे साथ कोटला गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो बच्चे थे, कैसे पता लगी, कहाँ से उनको उठा कर लाए थे। जी किला से लाया उन्हें, बकरी चरा रहा है, बकरी चरा रहा है और उन्हें देखा छोटे छोटे बच्चा, दो बच्चा आवे और भाई जैसे उन्हें देखा ने कुत्तों तो मार देंगे इन्हें। फिर उन्हें वह घर ले आया शाम शाम 5 बजे और फिर घर लाया, दूध पियाए बकरी को और बीट उस पियाए कुछ और भाई सुरक्षा से मुन दिया रात लो। फिर दिन में पता चली तो पूछी जैसे बुढ़ बढ़ानसू के ये तो वाक बच्चा आते हैं दवा का। फिर जैसे कि बूढ़ बढ़ान कुछ और हमारे साथ एक गांव के बुजुर्ग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे उनको लाया गया था, कौन लाया था और कब उनको छोड़ा गया। जी एक तो साहून है और एक सहरू है, वे दो बकरी ने चरा रहा वो ग्वाल या उन्हें टकरा गए, छोटे छोटा च्यों च्यों उनकी रोना की सी आवाज़ आ रही, उन बच्चा ने किन कहा झांक के उन्हें देखो तो वह बच्चा मिला उन्हें, वन्य वह घर को ले आए, उन्हें हिफाजत के साथ में रखा। गांव वाला ने जब देखा उन्हें दिखाया तो गांव वाला बोले ये तेंदुआ का बच्चा है, चीता तेंदुआ जैसे नहर शेर बोलता ये उनका बच्चा है। वन को दूध भी पियाओ बकरी को, अच्छी तरह हिफाजत सुराखा, मीडिया वाला ने पतो कर दी और पुलिस को भी सूचना दे दी कि भाई ऐसे ऐसे है। अब टीम आई हुई है और उनको वापसी पहाड़ में ले जाया गया। अरावली पर्वतमाला पर बने महल के समीप से दो शावकों को दो ग्वालियों ने कल उठा लिया था, आज उनको वन्य जीव जंतु और वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया गया है। उन्हें अरावली में छोड़ दिया गया है और टीम अभी भी उनकी माता मादा से मिलाने के लिए सर्च अभियान अरावली पर्वत में चला रही है। कासिम खान, खबरें अभी तक, नूह मेवात।